नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेट्रोल पंप चैनल। दोस्तों आज मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पेट्रोल पंप वालों के लिए भी फ़ायदा है और बहुत से लोगों को जिनको रोज़गार चाहिए उन्हें हम सिखा सकते हैं और चाहें तो रोज़गार भी दे सकते हैं। दोस्तों योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसमें हमें एक साल के लिए 12वीं पास या ITI पास लोगों को हमारे यहाँ रखना है, सिखाना है और उनका शैक्षणिक योग्यता अनुसार जो स्टाइपेंड बनता है सरकारी दौरों पर उसका 75% एक साल तक सरकार वहन करेगी, 25% हमें वहन करना रहेगा। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों, अभी इसकी साइट खुली हुई है तो इसका जो साइट का नाम है https://mmsky.mp.gov.in https://mmsky.mp.gov.in/ उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आ जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा पेट्रोल पंप वाले का, जो साइट अभी खुली हुई है, एक दो दिन में मतलब अभी 15 जून से जिन्हें जॉब चाहिए उनके लिए खुल जाएगी साइट। तो दोस्तों ये कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तो ये कि साल भर तक हमें काम करने वाले मिल जाते हैं, जिनकी सैलरी का 75% मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। यह कैसे काम करता है दोस्तों, पहले हमको हमारा GSTIN नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा हमारा, जो बड़ा आसान प्रोसीजर है। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सेल्फ गाइडिंग है, आप प्रोसीजर अपना तो है कि 3-4 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, जिसके यहाँ कम से कम एग्जिस्टिंग 4 लोग हों। इसमें कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है किसी पेट्रोल पंप पर, जितने वर्तमान में एम्प्लॉय हैं उनका 15%, मानिए आपके यहाँ 15 एम्प्लॉय हैं तो 15% सवाद होता है तो आप 2 एक्स्ट्रा लोगों को रख सकते हैं 12वीं या ITI पास, जिनका जो स्टाइपेंड बनेगा 8-10-12 हज़ार जो भी सरकारी दर रहेगी उसका 75% मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से इन लोगों के अकाउंट में दिया जाएगा हर माह, बाकी 75% पेट्रोल पंप वाले को देना रहेगा। और इसमें एज की पात्रता जो है 18 से लेकर 29 वर्ष तक की है। एक साल तक सिखाने के बाद में हम चाहें तो हमारे यहाँ उनको एब्जॉर्व कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी अभी पेट्रोल पंप में काम करने वाले लड़कों की कमी पड़ रही है तो क्यों ना इस बेनिफिट हम लें इस बेनिफिट को और नए लड़के तैयार करें, पढ़े लिखे जो समझदार लड़के हों, क्योंकि व्यवसाय में नए खून का आना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर हर दूसरा पंप वाला परेशान है, स्टाफ नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया आधार हो सकता है नए स्टाफ को इस लाइन में लाने का। दोस्तों इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर किसी के यहाँ 18 लोग हैं और अगर उसने 4 लोग रख लिए तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि मेरे यहाँ 20 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो PF में आ जाऊँगा मैं, नहीं, ये 4 लोगों को अस्थाई माना जाएगा, ट्रेनी माना जाएगा तो ये PF में नहीं जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि PF से उन्होंने क्लेरिफिकेशन ले लिया है। हाँ, लेकिन ESIC आपको इनका भरना रहेगा क्योंकि वहाँ पर दुर्घटना और चोट बीमारी इत्यादि कवर होती है तो उसका अमाउंट भी नॉमिनल रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और यह चीज़ साल भर के लिए है और ऐसी स्कीम्स दोस्तों अमूमन लेबर क्लास से जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कंटिन्यू हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है,
आप इस वेबसाइट पर जाएं और इसको स्टडी करें और अवश्य लाभ उठाएं इसका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।